ਉਹਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਖਰਾਫਾ ਛੱਡੋ। ਉਹ ਵਕਤ ਅਗਰ ਅੱਜ ਯਾਦ ਹੋਏ ਨਾ, 23 ਮਾਰਚ 1940 ਵਾਲਾ ਮਿਰਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚੌਕ ਦੇ ਅੰਦਰ कायदे आजम एदे सज्जे पासे अहले हदीस खलोते ने, देवबंदी खलोते ने, एदे खब्बे पासे बरेलवी हजरात शिया हजरात खड़े ने और पाकिस्तान दा नारा लगाया है। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। और पाकिस्तान जे बने हैं, एदी बुनियाद ला इलाहा ते रखी गई है। ते तां बने जदों एक जान होए ने, ते अज जे पाकिस्तान नूं बचाना चाहते हो फिर छड्डो झगड़े। बरेलवी देवबंदी और जनाब अहले हदीस शिया क्या, ये सारे इख्तलाफ आ छड्डो। ए मुहर्रम चढ़े है और जनाब कर्फ्यू लगा दियो, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, इधर भी लड़ाई ते उधर भी लड़ाई। खुदारा खुदारा जे पाकिस्तान नूं बचाना चाहते हो अज भी एक जान होना पवेगा। इख्तलाफात मुका के एक तरफ रख के मुसलमान मुसलमान दा भाई नज़र आ रहा है। अकाली सलात व सलाम ने फरमाया, खुद कुरान ने आख्या, इन्नमल मुमिनूना इख्वा। मुसलमान मुसलमान दा भाई है। जदों भाई भाई बनांगे फिर गैर मुल्की जड़े ने बैरून मुल्क वाले उन्हां दी कोई साजिश भी कामयाब नहीं होएगी। ये उदों कामयाब होंदे ने जदों अपनियां लड़ाइयां दे अंदर असी मुबतला हो जाने। आओ पाकिस्तान दी बका चाहते हो, पाकिस्तान दा इस्तेकाम चाहते हो, पाकिस्तान दी सलामती चाहते हो, इख्तलाफात ख़त्म करके इस मुल्क दे अंदर इस्लाम दा कुरान दा नबी अली सलाम दे फरमान दा कानून नाफज कर दियो। इंशाअल्लाहुर रहमान रब्बुल आलमीन साडी जिंदगी भी संवार देंगे, आखरत भी आबाद फरमा देंगे।